देख लेना, अगर अम्मी डैडी ने अक्का भाई से बात नहीं की ना तो मैं खुद जाके अक्का भाई से बात करूंगा। एनी भाभी माइंड कर जाएंगी। यार बुरा मानती हैं तो मान जाए, अब मैं शोजअप को देखूं या एनी भाभी को? बच्चे को बुरी तरह से डांटेगी मारेगी तो क्या मैं बोलूंगी नहीं? आपको तो दादी उसकी मैं। वो भी तो माँ है आखिर। उसे क्या घर से लेकर आइए है? पोता है हमारा, नस्ल है हमारी। घर में पढ़ाई का तो माहौल ही नहीं है, कुछ बोलो तो अम्मी सामने आ जाती है। सारा वक्त गुगली के साथ क्रिकेट खेलता रहता है या फिर वो मैडम के साथ इंग्लिश में मजाक करता है। डैडी बुला रहे हैं। क्यों? चाहूंगी तो पता चलेगा कि खैरियत है या नहीं। नहीं कोई टेंशन तो नहीं है ना? हम तो ये कह रहे थे कि महीने में एक दफा सबको बाहर खाना आपकी तरफ से। शोज़ब, गेट अप। आई सेड गेट अप एंड लिसन टू मी। आज आपका ट्यूशन का पहला दिन है और पहले ही दिन आप 10 मिनट्स लेट। सॉरी चाची। चाची नहीं टीचर, और सीधी तरह से बैठो। जब यहां पे पढ़ने आया करो तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने आया करो, अंडरस्टैंड? और हाँ, अब तुम्हारा टाइम टेबल बनेगा और उसके अकॉर्डिंगली तुम पढ़ोगे, राइट? जी। गुड बॉय। अरे आप छोड़ भी दें आईने को, क्या तोड़ेंगी आईना? ओ, कोई शादी में तो नहीं जा रहे? आपको औरतों का नहीं पता, वो औरतों पे बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं। और अगर सामने सिर्फ एक औरत हो ना तो फोकस की इंतहा हो जाती है। अरे लेकिन हम तो आपके भाई के घर जा रहे हैं ना। वो तो वहाँ भाभी भी तो होंगी ना। तो वो कौन सा पहली बार आपको देख रही है? पिछली बार से कंपेयर जरूर करेंगी। ओ गॉड, मतलब भाई के घर जाने में भी इतनी साइंस? हाँ तो और क्या, आप मर्दों का क्या है मुंह धोया कपड़े पहने चल दिए, थोड़ी होता है। हाँ तो वो क्या है कि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। अच्छा, हमारे पास तो बहुत टाइम होता है। अब चलिए। शुक्र है, चले चले। अरे वाह वाह, ये तोता मैना की जोड़ी कहाँ चल दी है? वो अम्मी भाई के घर जा रहे हैं, भाभी काफी दिनों से कह रही थी आने का। तो शोज़ब नहीं जा रहा? अरे जा रहा है ना, वो पहले से गाड़ी में जाके बैठ गया। अच्छा चलो जाओ, खैर से जल्दी आना। जी अच्छा, चलो चले 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 चले, देर हो रही। बज्जी। हाँ बज्जी, आज तो आप खुश हो जाएं। क्यों? आज टी टाइम पर स्पेशल ऑफर है, सूजी का हलवा। अच्छा, ऐसे कि आजकल घर में बहुत ज्यादा इत्मीनान, खुशी और मिठास नहीं है? शोज़ब का मसला हल हो गया ना, इसलिए सब मुतमईन है। अच्छा 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 अच्छा, तो ये हलवा शोज़ब की वजह से है? एनी भाभी ने बनाया है तो आप जो मर्जी समझ लें। अच्छा, कैसा पढ़ रहा है? पढ़ने में बुरा नहीं है, बस दिमाग हर वक्त हंसी मजाक खेल कूद में लगा रहता है। मैंने तो पहले दिन ही ठीक कर दिया। अब आपकी क्या बात है, अब आप पुस्तानी जो ठहरी है। मैंने कहा अगर जरा सी भी ढील दे दी जाए तो ये बच्चा तो मेरी नाक में दम कर देगा, तो फिर हमने उसे डांट दिया। अच्छा ठीक हो गया? ऐसा वैसा डरा तो नहीं? इसमें डरने वाली कौन सी बात है? अगर उसके एनुअल एग्जाम में उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया ना, तो फिर तुम एनी भाभी को बहुत अच्छी तरह से जानती हो। अरे कुछ भी नहीं है, एनी भाभी को अपने बच्चे को टैकल करना नहीं आता। खैर टॉप पोजीशन तो नहीं लेगा, लेकिन अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। अरे भाई बस पास हो जाए, अच्छे नंबर नंबर ना लाए अच्छा भाई, उसी में खुश हो जाएगा। समझी? तहरीम आ जाइए, हलवा तैयार है। तहरीम, इतने प्यार से तुम्हें एनी भाभी बुला रही है, तहरीम आ जाइए ना। है उनके बेटे को पढ़ा रही हूँ, कोई मजाक नहीं है। सही बात है, अब चेंज वेंज करके जल्दी आ जाइए। हाँ, आज बड़ी इज्जत से बुला रही है, कल वो सारी इज्जत बड़ी इज्जत से वापस ले लेंगी। जानती नहीं है तुम्हें एनी भाभी को।
सुने एनी जी और है या बस यही था? घबराइए मत, है और। अक्का भाई, तहरीन भाभी का जो ये हफ्ता है ये आज बहुत ही जबरदस्त गुजरेगा। कहाँ लिखा है? ये इनके सितारों में लिखा है, मैंने खुद मैगजीन में पढ़ा है। उसमें ये भी लिखा था कि लोग बिला वजह इन पर मेहरबान हो जाएंगे, जो फरमाइश करेंगी वो पूरी होंगी। और बहुत सारे करीबी लोग साजिश भी कर सकते हैं इनके खिलाफ, लेकिन लेकिन जो सूजी का हलवा है उसकी मदद से ये तमाम वार जो है वो नाकाम बना देंगे। अभी तो हम जा रहे हैं हलवा लेने, मगर आपको छोड़ेंगे नहीं गुगली। पहले सूजी का हलवा ले आइए, फिर देखना वो क्या है कि हम उसे नहीं छोड़ेंगे। समझता क्या है अपने आप को? ये सूजी का हलवा लाए तो सही जरा इसको, आज इसको जरा मुंह की खानी पड़ेगी। इसको पता ही नहीं कि इसका मुकाबला इस सदी के सबसे बड़े सूजी हलवा ईटर एंड लूटर मिस्टर द ग्रेट अक्का भाई से है। जोसेफ, और सब उठ जाएं, पढ़ने का वक्त हो गया है। आपको सुनाई नहीं दे रहा हम क्या कह रहे हैं? दो मिनट रुके मम्मा, आ रहा हूं। आ नहीं रहा हूं, अब आ जाएं। अच्छा वाला गेम चल रहा था, सारा गेम खराब करके रख दिया। आप जरा सुनते हैं, हम तहरीन चाची को बुलाएं। अच्छा जा रहा हूँ, लैपटॉप तो दे दें। कोई जरूरत नहीं है, ये लैपटॉप ले कमरे में लेके जाएं और बैग लेकर पहुंचे तहरीन चाची के पास। अभी अभी जी। ये देखिए कैसी है साड़ी। यार औरतों के कपड़े के बारे में मुझे क्या पता, तुम कह रही हो तो अच्छा ही होगा। अरे ये तो मुझे बहुत महंगा लग रहा है, कितने का लिया? कितने की है छोड़े, क्या फ्री में मिला है? बस ये भी समझ ले, एनी भाभी के साथ शॉपिंग पे गई थी ना। एनी भाभी ने दिलाई? एनी भाभी के साथ शॉपिंग पे गई तो साड़ी मुझे पसंद आ गई। एनी भाभी मेरे पीछे पड़ गई कि खरीद लो खरीद लो। मैंने बहुत मना किया लेकिन जब तक उन्होंने मुझे दिला नहीं दी उन्हें भी दम नहीं आया। तेरी इसके पैसे वापस कर दे। वैसे ये मैं इतनी मेहरबानी की वजह पूछ सकता हूँ? उस दिन भी बड़े प्यार से सूजी का हलवा दिया जा रहा था है? एनी भाभी बिना ऐसे किसी पे मेहरबान नहीं होती, ये सब शोज़ की वजह से हुआ। अच्छा 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 ये बात है, अब समझा मैं ये हातिम ताई की कब्र पे लात क्यों मारा जा रहा है। मैडम भी साथ नहीं है? मैंने तो कहा था मैडम को भी साथ ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम दोनों ही चलते हैं। यार ले जाती तो क्या होता? मैंने कहा था ना अब शॉपिंग एनी भाभी कर रही थी तो मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली। तेरी कपड़ों के पैसे ना एनी भाभी को वापस कर देना, वरना मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम बहुत बुरा फंसने वाली। आप भी ना माफ कर, फंसना तो तुमने है। तुमने उसी कोर्स की किताबें देखी, इतनी मोटी मोटी है। ले पला, मैंने मोटी किताबों से लड़ाइयां लड़नी है। अच्छा तो जो इंग्लिश है वो? ले वो तो कोई टिश्यू ही नहीं है। भाभी संभाल चाबी, भाभी संभाल चाबी। अम्मी अरे ये क्या हुआ, क्यों गीली हो रही हो भाई? अरे किचन का नल फिर से खराब हो गया अम्मी। है कम बकत मारा, अभी तो वॉशर चेंज करवाया था, फिर क्या हुआ? अम्मी पुराना हो गया, नया नल लगवा ले। क्या हो गया एनी बेगम है, नल क्या सौदे के साथ आता है या हर महीने चेंज होते? खुदा का खौफ करो, कदर महंगाई है बस भी करो। अम्मी 5 साल हो गए तो
नल क्या हर महीने चेंज होना चाहिए? बस उसी दिन तो तुम्हारे कहने पे बुलवा लिया था प्लम्बर, फौरन तो ठीक हो गया था। जी अम्मी, हम समझते हैं, इसलिए काफी दिनों से कपड़ा बांध बांध के चला रहे थे। अच्छा, और कसके बांध के चला लो, देखो जाके कुछ और। अच्छा बात सुनो जी, आओ। ये तुम कल तहरीन के साथ कहाँ गई थी? अरे वो अम्मी बाजार गए थे, इतना मजा आया। खैर शॉपिंग तो हम ही ने करनी थी, मगर वो तहरीन को एक साड़ी पसंद आ गई, ले नहीं रही थी, पर आप तो हमें जानती हैं, हमने कहा पसंद है तो लेनी पड़ेगी, तो हमने दिला दी। तुमने दिलवा दी उसे? जी हमने। अम्मी छोटी बहनों जैसी है हमारी। मैडम को भी साथ ले जाती? हाँ, वो हमने सोचा घर में कोई काम भी हो सकता है ना, इसलिए हम दोनों चले गए। बड़ी बात है भाई, जॉब काम देख लो जाके किचन। तहरीन से बड़ी दोस्ती है, मैडम से पता नहीं क्या दुश्मनी है। जो हमें प्यार करे उससे दुश्मनी है। बात यह पता है, एनी पापी ने ना मुझे स्लैड लैफ काट दिया। साइडलाइन क्यों? पता नहीं। नहीं तो जरा भी बात नहीं करी। बात तो कर रही है लेकिन काम कम। और तरीम पापी की, तरीम पापी की तो हर वक्त तारीफें खुशामदें। तो जाहिर है क्यों ना करें, तरीम भाभी शोजब को जो पढ़ा रही है उनका तो मसला हल कर दिया उन्होंने। आपको पता है जी? नहीं जी। उन्होंने ना तरीम पापी को नया सूट भी दिलाया है। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखो यार, वो शोजब को ट्यूशन पढ़ा रही है और ट्यूशन फीस तुम्हें पता है कितनी ज्यादा होती है। एनी भाभी वैसे भी कभी भी घाटे का सौदा नहीं करती। हाँ तो मुझे क्यों काट रही है? तुम्हें क्यों काट रही है? एक तो तुमने अक्का भाई को शिकायत लगाई शोजब की, उस बेचारे को मार पिटवाई, और ऊपर से तुम शोजब को पढ़ा सकती हो। कितनी बार बताऊं कि मैंने अक्का भाई के सामने शोजब का नाम नहीं लिया था। और वैसे भी शोजब को तो मैं भी पढ़ा सकती हूँ, एक बार कहें तो वो मुझे। तुम शोजब को पढ़ाओगी? शोजब तुम्हें पढ़ा देगा। तुमने उसी कोर्स की किताबें देखी? इतनी मोटी मोटी है। लैपला, मैंने मोटी किताबों से लड़ाइयाँ लड़नी है। अच्छा तो जो इंग्लिश है वो? ले, वो तो कोई टिश्यू ही नहीं है। टिश्यू नहीं, इशू। तो मैं पढ़ा दूंगी यू। मफिन, असल में वो शोजब को तुमसे इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि उन्हें जरा हल्का टीचर चाहिए। अच्छा जी, तो फिर ठीक है, पढ़ाते रहे तरीम भाभी से। ते नया जोड़ा आप मुझे ला देना। तुम न मानो मगर हकीकत है, इश्क इंसान की जरूरत है। तुम न मानो। अरे नहीं भाई, हमने मान लिया। अरे क्या मान लिया? कि अल्लाह बचाए यानी से, बड़ी खतरनाक औरत है भाई। तब अरे क्या हो गया? अरे क्या कर दिया, जब से शोजब को तहरीम ने पढ़ाना शुरू किया है वो ऐसी उनकी लल्लो चप्पो में लगी है, इस कदर महंगा सूट दिला के लाइयों ने। अरे आपको इस पे भी तकलीफ है बहुओं का मिलना? अच्छा तो सास के लिए ये खतरे की घंटी है। मेरा क्या बिगाड़ लेंगी हैं? मैं तो मैडम के लिए परेशान हूँ, वो बेचारी अकेली हो गई। मैडम अकेली कैसे हो गई? उठना बैठना खाना पीना आना जाना सब तो दोनों साथ कर रही, वो बेचारी तन्हा हो गई। अरे नहीं भाई, तहरीम ऐसी नहीं है। भाई वो भले ऐसी ना हो लेकिन खुशामद किसे बुरी लगती है कुदरतुल्ला। मैडम की बातचीत बंद है इसे। भाई है बातचीत, पर वो वाली बात नहीं है जो होनी चाहिए। भाई अब इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे कुदरतुल्लाह, हम सास से भी बड़ी अजीब होती हैं। आपस में बहुएं एक दूसरे पे ज्यादती करें, दिल जल के रह जाता है बस। चाहे खुद जलाकर कबाब कर दे, दूसरा करे तो बस। और क्या भाई, हमारा क्या मुकाबला? हम सास हैं, हम जो मर्जी करें लेकिन बहुएं आपस में कुछ ना करें। वाह 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 वाह, इसमें जहाँ बात हुई ना। हाँ गुड। तंज कर रहे हो या सही कह रहे हो? अरे नहीं, खुश हो रहा हूँ तुम्हारी सोच के। उठाओ ये अपनी सुख किताब। भाई तुम तो इसके पीछे ही पड़ गई हो। चलो। हाँ हाँ, पता नहीं क्या बनेगा मैडम का बिचारी का। हाँ
हैं? ये क्या, अभी तो गए थे आप, वापस भी आ गए? अरे तहरीम चाची कह रही हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो कल आ जाना। अच्छा, किधर चले? छुट्टी है अम्मी। कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है, पढ़ना है, बैठकर चलें। अरे अभी जाऊंगा, आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं, हमने कह दिया है पढ़ना है तो फिर पढ़ना है। अम्मी प्लीज। ठीक है जाइए, बाबा को आने दीजिए, आपकी खैरियत नहीं है आज। बस देखा जाएगा। इन्हें अच्छा तरीका निकाला है, 3 दिन तो पढ़ाती है मुश्किल से हफ्ते में, ऐसे कैसे होगी पढ़ाई, हम यूं ही आगे पीछे हुए जा रहे हैं। अब तो बहुत बड़ी हो गई हैं जी आप, पर इब्बू के लिए टाइम ही नहीं है। कैसी बातें कर रही हूँ मैडम? हाँ जी, शॉपिंग पे जाया जा रहा है, सूट खरीदे जा रहे हैं, लेकिन हमें कोई लिफ्ट ही नहीं है। मैडम मैं अकेली कहाँ गई थी मैडम, वो तो एनी भाभी ने अपनी शॉपिंग करनी थी, साथ मुझे भी ले गई। और जो सूट खरीदा था? एक ही जोड़ा दिलाया उन्होंने, उसके भी पैसे दे दूंगी। देखिए मेरे ख्याल से जो टाइम हो रहा है ये तो आपके ट्यूशन का होता है ना? हाय मैडम, शोज बहुत तंग करता है मुझे, शुरू शुरू में तो ठीक था लेकिन अब तो जानबूझ के तंग करना शुरू कर दिया है मुझे, मेरे दिमाग में इतनी हिम्मत नहीं है। तो फिर तरीन पापी मना कर दें। हाँ मना तो मैं करूँगी, लेकिन हैनी भाभी से बात नहीं करूँगी, अक्का भाई से बात करती हूँ। ठीक कह रही हैं, यही ठीक रहेगा। मियाँ बाहर खाने पे नहीं जा रहे हैं? कौन कब कहाँ जा रहे भाई, और हमें कानों का खबर नहीं? अरे भाई एनी और अक्का मजी और तहरीम को महीने में एक बार बाहर खाना खिलाने के लिए ले जाया करेंगे। लो और हमें क्यों नहीं? अरे तुम भी चलो भाई। नहीं थैंक यू वेरी मच अक्का भाई, अपने मुंह से कहकर साथ ले जाने का फायदा। अरे क्या बात है एनी, तुम बहुत खामोश हो, यू तो सही नहीं पढ़ा रहा। नहीं डैडी ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन आज कुछ गर्म जोशी सी नहीं है। अरे डैडी वो क्या है कि हर रोज थोड़ी होगी, वरना ट्यूटर कहीं फीस ना बढ़ा ले। अक्का जब भी करेंगे उल्टी बात करेंगे। भाई ये दाल में कुछ काला लगता है। ये मुझ में दाल कहाँ से आ गई कुदरतुल्ला? अरे हम भाई शोजब की बात कर रहे हैं। हाँ? अरे शोजब के कब से मुझे निकल आई? तरीन ट्यूशन सेंटर का बोर्ड उतरने वाला है। आपको किसने कहा? बस हम कह रहे हैं ये अपना फाल निकालना ना छोड़ दे कुदरतुल्ला, और अगर इतना ही शौक है तो किसी तोते को लेके किसी बड़े से शॉपिंग सेंटर के फुटपाथ पे बैठ जाए आप। अरे इशरत जहाँ, अगर हम तोते लेकर बैठ गए ना तो बड़े बड़ों के हाथों से तोते उड़ जाएंगे। इसीलिए हम हाथों में तोते पालते ही नहीं, ना होंगे ना उड़ेंगे। भाई एक बात हम तुम्हें बता रहे हैं, ये शोजब की ट्यूशन ज्यादा अरसे नहीं चलने वाली। आज तुमने देखा नहीं है एनी को, ऐसी खिंची खिंची थी तहरीम के साथ, और तहरीम भी बेचारी खामोश खामोश बैठी हुई थी। बड़ी तेज नजर है कुदरतुल्ला आपकी। तभी तो कह रहा हूँ तहरीम ट्यूशन का बोर्ड उतरने वाला है। तो फिर मेरे शोजब का क्या होगा? भाई ये सवाल तो तुम शोजब के माँ बाप से करो तो ज्यादा बेहतर। अब वो जो कुछ भी आप कह लें, मेरे पान आप पिछले हफ्ते से नहीं लाए, छालियाँ काट काट के गुजारा कर रही हूँ। अच्छा भाई कल जाऊंगा ले आऊंगा, थका हुआ था इसलिए नहीं। कल क्यों ला दूंगा, आज क्यों नहीं, मेरे हर काम को टालते रहना तुम। अरे भाई आ जाएगा कल, लड़ो मत। हर चीज कल पे टाल देते हैं। लाओ दो दाने तो दो। आपके खाने की नहीं, दांत भी बाहर आ जाएंगे। मुझे काटो मुझे। ये सही याद दिला। भाभी संभाल चाबी, भाभी संभाल चाबी। आप अक्का भाई, प्रॉब्लम तो ऐसे सच कुछ नहीं है, पहले तो शोज अब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद कभी मेरे सर में दर्द है, आज ये पढ़ा दें आज ये ना पढ़ाएं, आज इस चीज़ का टेस्ट है, कोई ना कोई बहाना।